क्या नाम आपका? हमारा नाम महेंद्र कुमार सिंह है, गया रतवल किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के सचिव पद पर हैं जी। और इस समय सोनभद्र जनपद में लगभग 63 सोसाइटियां हैं जो हड़ताल पर चल रही हैं। उनकी मांगे जब तक मांगी नहीं जाएंगी, और धान खरीद बंद चल रहा है, किसान आ रहे हैं पूछ करके चले जा रहे हैं कि कब से खरीद होगी, उनकी भी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। और हम लोगों की जो बीच बीच में कटौतियाँ होने लगती हैं धान की, उस पर कोई ध्यान नहीं दे। 1 नवंबर से हम लोग हड़ताल पर हैं। अच्छा। और हम लोगों ने शासन से मांग किया है कि सहकारी समितियां जो कर्मचारी हैं उनको वेतन असल बाहर से तो कहीं मिलता नहीं है, जो हम लोग कमाते हैं उसी मार्जिन से सहकारी समिति कर्मचारियों को वेतन मिलता है। कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं जहां पर वेतन बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, वो घाटे में चल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब धान खरीद बंद कर रहे हैं। और हम लोगों का मांग है सरकार से, धान खरीद सरकार द्वारा कराया जाता है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों की समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया जाता। हम किसानों से जुड़े हैं और किसान जिस तरह झेल रहा है उस तरह हम लोग भी झेल रहे हैं। सहकारी समितियों की हड़ताल चल रही है और देखने में आ रहा है किसान केंद्रों पर नहीं आ रहा है, कितना असर है सहकारी समितियों की हड़ताल का? सहकारी समितियों की हड़ताल फिलहाल जारी है, लेकिन अभी भी कटाई प्रारंभ हुई है, तो किसान अभी केवल इक्का दुक्का पूछ रहे हैं कि कब से आप धान खरीदेंगे, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। सहकारी समितियों की हड़ताल फिलहाल 1-2 दिन में समाप्त होने वाली है, जैसा कि आसार दिख रहे हैं। अगर हड़ताल उनकी समाप्त हो जाती है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो फिर शासन की मंशा के अनुसार पूरी खरीद की तैयारी है। खाद्य विभाग पूरी तरह से कमर कस के तैयार है, खाद्य विभाग की विपणन शाखा है, सहकारी समितियाँ की PCF हैं, कर्मचारी कल्याण निगम है, PCU है, NEFED है। फिलहाल अभी उनकी हड़ताल तो PCF की चल रही, लेकिन समाप्त होने के बाद वो भी खरीद पूरी तरह से करेंगे। किसान जो है अपना धान इस समय नहीं बेच पा रहा है और बिचौलियों के पास जा रहा होगा? नहीं, अभी कटाई प्रारंभ हुई है, बिचौलियों की भी कोई आवक ही नहीं है, तो बिचौलियों के माध्यम से कोई बात ही नहीं बनती। जैसे ही आवक प्रारंभ हो जाएगी, किसान यहाँ का बहुत सक्रिय है और क्रय केंद्रों पर ही धान बेचता है।